छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आखिरकार जो है काउंसलिंग किस तरह से करना है इसके नियम और शर्तें आपको जो है जानना जरूरी है आखिरकार किसका सिलेक्शन जो है हो पाएगा देखिए नंबर तो आपने अच्छे से ला लिया लेकिन जब तक आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है ठीक तरीके से नहीं करेंगे काउंसलिंग के पूरी जानकारी आपको नहीं होगा तब तक आप जो है आपका जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा और आपको जो है अपात्र घोषित कर दिया जाएगा तो नियम और शर्तें क्या हैं अच्छे से जान लीजिए तो छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है शिक्षक भर्ती जो सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदक विषयक यानी कि आपको जो है काउंसलिंग जो है ठीक तरीके से करना है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए अभी जो है व्याख्याता का कुछ ही दिनों में जो है आपका ऑनलाइन करना जो है व्याख्याता के लिए जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगा जिसमें आप लोग अच्छे से जो है काउंसलिंग जो है कर सकते हैं इसके लिए अगर ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना जो है आपको ईडू पोर्टल डॉट सी जी डॉट एन आई सी डॉट इन शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जो है दी जाएगी इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची जो है जारी की जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर साथ में जो है चिप्स द्वारा यथासंभव उनके मोबाइल नंबर पर व्यापम फॉर्म अनुसार एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी विद्यार्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना होगा सेकंड अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक से लोक शिक्षण संचनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर जो है लॉगिन कर सकेंगे तीसरा ऑप्शंस है आपका लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं जिसमें सहायक शिक्षक शिक्षक व्याख्याता की जानकारी जो इसमें दी जाएगी अगला है आपका सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में जो है भाग ले पाएंगे अगला है आपका अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने पर दस्तावेज सत्यापन का राउंड प्रिफरेंस फीलिंग विंडो उसके बाद प्रिफ्रेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण प्रिफ्रेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की जो है सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का जो है चयन कर सकते हैं उसके बाद है इसके आपका एक्शन में जो है फिल प्रीफ में इंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडोज़ खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो प्रोफाइल आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर नाम प्राप्त अंक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट यू प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी यानी कि जो भी आपके प्रायोरिटी है वो इस सूची से अभ्यर्थी जो है अपने पसंद की शालाओं को जो है चयन करेंगे जो द्वितीय बॉक्स में यू आर तो सेलेक्टेड प्रायोरिटी के अंतर्गत प्रदर्शित होगी अभ्यर्थी यू आर तो सेलेक्टेड प्रायोरिटी में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में जो है शालाओं का जो है क्रम अपने पसंद अनुसार जो है ऊपर नीचे जो है कर सकते हैं और अपने पसंद अनुसार जो है सिलेक्ट कर सकते हैं साथ में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह सिलेक्ट यूर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित चे, करें यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गए स्कूलों को जो है सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रम से स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा उदाहरण के लिए यदि सूची में कुल पचास स्कूल प्रदर्शित किए गए हैं अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पसंद की दस स्कूलों को चयन किया गया तो सूची में शेष रह गई चालीस शालाओं सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ग्यारहवें क्रम से चयनित कर जो है आवंटित कर दी जाएगी इसके बाद जो है अगले विंडोज़ पर अभ्यर्थी का विवरण सहित तो उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें प्रायोरिटी अपडेट ऑन डैश अंकित होगा अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का जो है प्रिंट आउट भी ले सकते हैं तो काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः जो है लॉक हो जाएगा यदि कोई अभ्यर्थी इसको शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉग नहीं करता था अपने चयन हेतुशालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता तो ऐसी स्थिति में जो है सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः या दरिक्षित रूप से रैंडमली स्कूल जो है आवंटित जो है आपको रैंडमली जो है स्कूल आवंटित जो है कर दिया जाएगा इसके बाद काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉग पर विद्यालय का बंटन प्रदर्शित होगा जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम यूडाइस कोड जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे चयन प्रक्रिया से जो है बाहर हो जाएंगे आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट 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 आउट ले सकेंगे इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज रहेगा दसवें सत्यापन कार्यालय समय दिवस में किया जाएगा व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी जिसमें संचालक लोक शिक्षण संचालय शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित सभा संभागी संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिए जो है नियुक्तकर्ता प्राधिकारी जिसमें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी हैं अभ्यर्थी निर्धारित समय में जो है नियुक्तिकर्ता प्राधि अधिकारी के कार्यालय में जो है उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे पात्र अपात्र की जानकारी जो है सत्यापन करता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा जिसे अभ्यर्थी अपने लॉग इन कर देख सकेंगे जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे और उस उनका जो है अपात्र संबंधी पत्र सत्यापन करता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा का काउंसलिंग जो आप कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो आई होप वीडियोस पसंद आए हो आई होप वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना और इसी तरह से मेरे चैनल्स पर नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे बस जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट दिखाना सो थैंक यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं लेकिन उन तक जानकारी नहीं पहुँच पाता कम से कम उन लोगों तक जो है जानकारी अवश्य रूप से शेयर कीजिए ताकि वो सभी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर पाएँ और एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएँ सो मेहनत अच्छे से करना काम अच्छे से करना तैयारी अच्छे से करना सपने आप कहते तो उन सपनों को पूरा आपको ही करना है सो बिलीव इन और शेल्फ देन नथिंग इज जो पॉसिबल काउंसिलिंग अच्छे से कीजिए सिलेक्शन लीजिए और शिक्षक बनिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए